पब्लिक टीवी आपकी आवाज। मुरादाबाद हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन की वार्षिक जनरल मीटिंग दिल्ली रोड स्थित एक होटल में हुई, जिसमें मंच पर नीरज विनोद खन्ना, नजमुल इस्लाम, नवेदुर रहमान, अवधेश अग्रवाल, कमल सोनी, सलमान आजम और जेपी सिंह ने अपने विचार रखे। संगठन के महासचिव अवधेश अग्रवाल ने सभी लोगों का आभार व्यक्त किया और पूरे वर्ष का लेखा जोखा प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि एसोसिएशन निर्यातकों की समस्याओं को खत्म करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। इसके अलावा अवधेश अग्रवाल ने बताया कि हम समय समय पर शासन प्रशासन से संबंधित समस्याओं के लिए मंत्रियों और मुख्यमंत्री से शीघ्र मुलाकात करेंगे। एमएसएमई के अंतर्गत 45 दिन में सप्लायर को भुगतान करने का कानून अभी लागू है, इसके लिए भी पुनः माननीय वित्त मंत्री से मुलाकात करेंगे। विद्युत, प्रदूषण, श्रम और अग्निशमन, नगर निगम, जीएसटी आदि किसी भी विभाग द्वारा निर्यातकों का उत्पीड़न नहीं करने दिया जाएगा। सभी समस्याओं के निराकरण करने के लिए प्रयासरत रहेंगे। उन्होंने सभी निर्यातकों से 15 अगस्त पर अपनी अपनी निर्यात इकाइयों में बड़ा तिरंगा लहराकर कौमी एकता को प्रदर्शित करने को कहा। कार्यक्रम में अन्य विषयों पर भी चर्चा हुई। नावेद अध्यक्ष द्वारा कैश एंड कैरी के विषय में विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। इसमें शहर के कई प्रमुख निर्यातक नदीम खान, हसनैन अख्तर, अशोक पुगला, प्रेमवीर सिंह, विनय गुप्ता, विजय गुप्ता, विशाल अग्रवाल, रोहित ढल, शहनाज, जीशान, हामिद हुसैन आदि निर्यातक बड़ी संख्या में सम्मिलित हुए। आज मुरादाबाद हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट एसोसिएशन की वार्षिक सभा एजीएम का आयोजन किया गया था, जिसमें पूरे साल के कार्यों का लेखा जोखा प्रस्तुत किया गया और एसोसिएशन के सदस्यों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। मुख्य रूप से जो नगर निगम की समस्या है, नगर निगम की समस्या जो हाउस टैक्स को लेके थी, उसके विषय में हमने बताया। सर्वप्रथम हमने नगर आयुक्त महोदय का धन्यवाद किया कि उन्होंने हमारे व नीरज खन्ना जी, एमएचई और यश की मांग पर जलकर का पूरे शहर में सर्वे कराया इंडस्ट्री में, और जहाँ जहाँ सीवर लाइन नहीं थी वहाँ से जलकर ही समाप्त कर दिया। तो ये एक बहुत बड़ी जीत है निर्यातकों की। अभी अभी हमें सूचना मिली, हमने उनसे एक मांग की थी कि जब जलकर नहीं है तो हमसे सीवर कर क्यों लिया जा रहा है, तो ये भी अभी अभी हमें पता लगा। उन्होंने एक चिट्ठी से हमें अवगत कराया है कि सीवर कर भी हटा दिया गया है। तो जो निर्यातकों की समस्या है नगर निगम के द्वारा, वो बहुत कुछ हल होने की दिशा में अग्रसर है। 15 तारीख ऑब्जेक्शन की लास्ट डेट है। हमने मांग की थी कि इस समय शहर में काम की कमी है, तो जो छूट हमें 10% दी जाती है उसको बढ़ाकर 15% किया जाए। नगर एक महोदय ने हमारी उस मांग को भी स्वीकार किया और छूट 15% कर दी है। साथ ही साथ हमने मांग की थी कि जिन जिन भी इलाकों में नगर निगम का कैंप लगे, वहाँ पर हमारे व यश के एसोसिएशन के दो दो पदाधिकारी रहेंगे, जो कि नगर निगम व निर्यातकों के बीच में पुल का काम करेंगे और जो भी सही टैक्स होगा वो मिलके जमा कराएंगे और हमारे निर्यातक भी ईमानदारी से जमा करेंगे। इसको भी नगर आयुक्त महोदय ने अपनी स्वीकृति प्रदान की है व उन्होंने हर तरीके से हमें मदद का आश्वासन दिया है। ये एक सबसे बड़ा विषय था जो कि हमारा पूरा शहर इससे जूझ रहा था, और अगर इसमें जो कमी शासन के द्वारा रह गई है कि शासन के 3 गुना टैक्स वसूला जा रहा है या दरें ठीक नहीं है, उसके लिए हम शासन में 17 तारीख को एमएचई और यश दोनों की ओर से नावेदुर रहमान साहब और जेपी सिंह जी, मुख्य सचिव की मीटिंग मनोज कुमार सिंह जी की बरेली में है, वहाँ पर इस विषय को रखेंगे कि हाउस टैक्स 1% हो और जो FRA है वो बढ़ाया जाए। तो हमें उम्मीद है कि हम दोनों संस्थाएँ मिलकर अपने कार्य को आगे बढ़ाएंगे और शहर के निर्यातकों के विकास के लिए कार्य करेंगे। MHA की आज AGM के उपलक्ष में हमारे MHA के सेक्रेटरी सचिव श्री अवधेश अग्रवाल जी, मेरे भाई, और नावेदुर रहमान साहब जो कि अध्यक्ष हैं MHA के, और संरक्षक श्री नजमुल इस्लाम साहब को मैं बधाई दूंगा। बहुत अच्छा मंच संचालन करने वाले श्री JP सिंह साहब को भी बधाई। MHA का आज जो AGM का कार्यक्रम होता है वो हर साल विधिवत होता है और उसका मेन मकसद ये होता है कि इन्होंने पूरे एक साल में जितने भी काम हम निर्यातकों के लिए और आर्टिजन्स के लिए करे होते हैं उसको
उसका पूरा विवरण देना, उसके साथ साथ कितनी गणना करी है, कितना बैलेंस शीट है, क्या है, वो उस चीज़ों को जो है सारे मेंबर्स को, मेंबरांस को बताया जाता है। उसके साथ साथ जो इनके आने वाले भविष्य के जो प्रोजेक्ट्स हैं उसको ये लोग प्रोजेक्ट करते हैं। तो आज बहुत सारी चीज़ों को नया प्रोजेक्शन दिया गया है। वह समस्याओं पर भी चर्चा हुई है, हाउस टैक्स के ऊपर बहुत बड़ी चर्चा हुई है, जिसके लिए अब मुख्य सचिव साहब से हम लोग मिलने जा रहे हैं दोनों। और उसके साथ साथ अभी दो दिन पहले नगर आयुक्त साहब से भी MHE और ES के बिहाफ पे श्री अध्यक्ष अग्रवाल जी ने मुलाकात करी है। मैं उनका भी धन्यवाद करूँगा इस आप लोगों के चैनल के माध्यम से कि उन लोगों, नगर आयुक्त साहब ने हमारी जो समस्याएं हैं वो सुनी, और सुनने के साथ साथ शासन को जो अवगत कराना था उन्होंने अवगत कराया। आज मनोज कुमार सिंह जी भी इस बात के लिए, जो लघु उद्योग भारती वालों की जो मीटिंग हुई है उसमें भी जो है मनोज कुमार सिंह जी ने, चीफ सेक्रेटरी साहब ने कहा है कि भाई जो नगर आयुक्त ने जल कर और सीवर कर को माफ़ करा गया है, इसको लेकर के ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि बताई गई है। और मैं उम्मीद ये करता हूँ कि आगे भी जो 3 गुना इन लोगों ने जो टैक्स लगा रखा है उसको 1 गुना अगर हो जाता है तो उससे भी बहुत बड़ी रियायत सारे आर्टिजन्स को और एक्सपोर्टर्स को होगी। पब्लिक TV आपकी आवाज़।